हमारे बीच में जो कांग्रेस प्रेसिडेंट श्री मुजफ्फर हुसैन साहब जी हैं, प्लीज आप खड़े हो जाइए, आपका स्वागत करना चाहते हैं, आपका स्वागत करते हैं। आपकी तालियां ही हमारा बल है, आपकी तालियां ये बता रही है कि आप तहे दिल से चमत्कार कर रहे हैं। तालियां वही रुकनी चाहिए। सभी आए हुए सभी सदस्यों का, सभी नेताओं का उन्होंने स्वागत हमारे कमेटी के सदस्यों में कर रहे हैं। आभार है सभी का। श्री मुजफ्फर हुसैन साहब, श्री विश्वकर्मा सेवा मंडल की तरफ से आयोजित आपका ये सार्वजनिक श्री विश्वकर्मा महापूजा, जिनका यहाँ पे व्याख्यान चल रहा था, श्री संजय विश्वकर्मा जी, अध्यक्ष राम वृक्ष भी विश्वकर्मा जी, महामंत्री जितेंद्र विश्वकर्मा जी, कोष अध्यक्ष शंकरार विश्वकर्मा जी, इस संस्था के सभी पदाधिकारी, उपस्थित सभी भाइयों बहनों को, विश्वकर्मा समाज को आज की इस महापूजा की शुभेच्छा देता हूं। आप दो तीन जगह विश्वकर्मा समाज का कार्यक्रम महापूजा का, और हमारे साथ में हमारे राष्ट्रपुरोहित बैठे हैं, जयसवाल जी, उमेश जी, सम्मान्य व्यासपीठ है हमारे सारे मित्र, अब्दुल भाई जयसवाल मोरे कासारे, सभी लोग आपके इस कार्यक्रम में महापूजा में आपको शुभेच्छा देने और भगवान विश्वकर्मा का आशीर्वाद लेने हाजिर हुए हैं। भगवान विश्वकर्मा नाम में ही विश्व है और कर्म है, और मैं ये जानता हूं क्योंकि अक्सर मैं राजस्थानी विश्वकर्मा समाज, उत्तर भारतीय विश्वकर्मा समाज, गुजरात के विश्वकर्मा समाज के कार्यक्रम में जाते रहता हूँ। भगवान विश्वकर्मा ने आपके समाज को, इस समाज को और इस सृष्टि को निर्माण करने की क्षमता आपके हाथों में दी। तो परमेश्वर ने मनुष्य का निर्माण किया, सृष्टि का निर्माण किया, ब्रह्मांड का निर्माण किया, और भगवान अगर किसी के हाथ में कुछ और निर्माण करने की शक्ति जब दे देता है तो वो भी एक निर्माता बन जाता है। तो आपके समाज को आपको ऐसे निर्माण करने की शक्ति दी है कि आप लोगों के घर निर्माण करते हो, आप लोगों के महल निर्माण करते हो, पूजा के स्थान निर्माण करते हो, सभी धर्मों के धर्मस्थल निर्माण करते हो। तो भगवान ने, विश्वकर्मा ने आपको ऐसी क्षमता दे दी है कि आप सारे मनुष्य जाति को एक जैसा आप मानते हो। अब ये शक्ति भगवान उसी वक्त और उसी समाज को और उसी इंसान को देता है जिस पर उसका विशेष वरदान होता है, विशेष प्रेम होता है। वरना हमारा भी जन्म विश्वकर्मा समाज में हो जाता, मगर हमारे में थोड़ा सा प्रेम कम रखा विश्वकर्मा भगवान ने। हमारे को बोल दिया कि आप जाइए वाटर गटर मीटर का काम कीजिए, शहर को सुधारने का काम कीजिए, शहर को भ्रष्टाचार से मुक्त करने का काम कीजिए, शहर में और समाज में हो रहे अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम कीजिए। मगर आपके हाथ में एक और शक्ति दी है, जब आप निर्माण करते हो तो कीला जब ठोकते हो तो ऐसा ठोकते हो कि जिंदगी भर फिर निकल नहीं पाता। तो आपके हाथों में बड़ी शक्ति है, और आने वाले समय में आपके इस हाथ की शक्ति से आपको जोरदार ऐसे ही कीला ठोकना है कि समाज से, इस शहर से भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, और उसके लिए आपको पूरे हाथ की जरूरत नहीं लगेगी, आपकी तो उंगली ही काफी होगी।
तो मैं आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। जय मां। बोलिए श्री विश्वकर्मा भगवान की। आज मुजफ्फर साहब हमारे बीच उपस्थित हैं और विधानसभा का चुनाव भी बिल्कुल उसके उम्मीदवार हैं। आप तालियां बजा करके इनको ये आशीर्वाद दीजिए कि उम्मीदवार है कि जीता भी नहीं। और उम्मीद करते हैं कि हमें कहीं भी किसी रूप में सहयोग की जरूरत होगी तो हम आपके आपसे अपेक्षा रखेंगे कि जब भी कहीं हमारे विश्वकर्मा परिवार को, विश्वकर्मा भाई को किसी रूप में कहीं सहयोग की जरूरत हो तो हम आपके दरवाजे पर आ सके ऐसी प्रार्थना लेते हैं। है कि भगवान विश्वकर्मा के आप अनुयायी हैं और जो अनुयायी होता है वो किसी से मांगता नहीं है, वो तो देता है, मगर उसके बावजूद जब कभी भी समाज को, समाज के किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की जरूरत आग पड़े, मदद की जरूरत पड़े, आप हमारा दस्तक कभी भी दीजिए, हम हमेशा आपके बीच में रहेंगे।